कि थोड़े ही देर में सारी गाड़ियां जो है ना वो वाइट हो गई है। और यहाँ पे मज़े की बात ये भी है कि एक तो यहाँ पे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई है, यहाँ पे लोगों के पास गाड़ियाँ हैं तो फिर फॉक्स वैगन, मर्सिडीज़ और ऑडी से नीचे तो कोई बात नहीं करता। लेकिन क्रिसमस ट्री के साथ बर्फबारी आपको देखने को ज़रूर मिल रही है, तो इससे बेहतर है टाइम से घर चलना चाहिए। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई जर्मनी में आज बर्फ़बारी पड़ना स्टार्ट हो गई है, इसका मतलब यह है कि जर्मनी में विंटर स्टार्ट हो गई है। जब मैं जर्मनी आ रहा था तो लोग कह रहे थे यार जर्मनी है तो बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत, लेकिन वहाँ का जो वेदर है ना वो हमें समझ में नहीं आता। और मुझे तो इतना मज़ा आ रहा है यहाँ के वेदर में भाई, आप खुद ही सोचो ना कि अगर आपका ताल्लुक कराची से हो, वहाँ तो सर्दी आती नहीं है ना, वहाँ तो सिर्फ गर्मी ही गर्मी है। सर्दी आएगी तो टेम्परेचर फिर भी 7-8 तक रहता है। आपने कभी ज़िंदगी में बर्फ़बारी नहीं देखी, और आप डायरेक्ट जर्मनी आओ और जर्मनी आके आप डायरेक्ट यहाँ पे बर्फ़बारी के मज़े ले रहे हो, तो क्या ही बात है। तो भाई मुझे तो यहाँ वेदर के बड़ा मज़ा आ रहा है। पहली बर्फ़बारी हो रही है जर्मनी में आज, और काफ़ी ज़ोर की बर्फ़बारी हो रही है। शायद आपको अच्छे से नज़र आ रहा हो या नहीं नज़र आ रहा हो, तो आपको दिखाता हूँ बर्फ़बारी। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है तो मैं तो अक्सर निकल जाता हूँ इसी तरह के मौसम में घूमने फिरने। आपको भी दिखाता हूँ यहाँ पे किस तरह के घर हैं और बर्फ़बारी। तो ये देखें जिस तरह हमारे पास होता है ना कि यार ये वाला घर जो है ना ये हमारा, उसके बाद ये घर आपका है, तो वहाँ पे बाउंड्री वॉल होती है। ये देखिए ये घर एक ख़त्म हो रहा है, अगला घर स्टार्ट हो गया। ना कोई बाउंड्री वॉल है, ना घर के आगे कोई ग्रिल है, कुछ भी नहीं है। सीधा सीधा आपने गेट खोलना है और घर के अंदर, इस तरह के यहाँ पे घर है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है कि आपको जो है ना अपनी पार्किंग में कोई लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं है, गाड़ी को लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ ओपन है, किसी चीज़ की इनको कोई टेंशन ही नहीं है। इतनी ज़िंदगी ये मज़े की गुजार रही है। देखें फॉर एग्जांपल ये घर है ना, इसका कोई दरवाज़ा है ना, इसकी कोई पार्किंग के लिए गैराज और ना कोई ग्रिल लगी हुई है, कुछ भी नहीं। सिर्फ आपकी बाउंड्री जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहाँ से आपने कोई एक ग्रिल लगा ली नहीं, ताकि गली से आपका डिफरेंस अलग हो सके। और उसके अलावा देखें ये है जर्मनी, और ये है जर्मनी के हसीन और ख़ूबसूरत घर। यहाँ पे मैं सोच रहा था कि यार यहाँ पे इस तरह के घर ये क्यों बनाते हैं, अब पता चला कि यहाँ पे बर्फ़बारी इतनी ज़्यादा होती है तो फिर जाहिर है अगर बर्फ़ ऊपर जमी रहेगी तो फिर वो छत गिर सकती है, तो उसके लिए क्या करते हैं इस तरह के स्लोप पे घर बनाते हैं, ताकि क्या हो सके बर्फ़ सारी नीचे आ सके। इस तरह काफ़ी देर से बर्फ़बारी चालू है और अब जो है ना स्लो हो गई है थोड़ी, लेकिन काफ़ी पहले से चल रही है और काफ़ी तेज़ हो रही थी बर्फ़बारी, कि थोड़े ही देर में सारी गाड़ियां जो है ना वो वाइट हो गई है। और यहाँ पे मज़े की बात ये भी है कि एक तो यहाँ पे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई है, यहाँ पे लोगों के पास गाड़ियां हैं तो फिर फॉक्स वैगन, मर्सिडीज़ और ऑडी से नीचे तो कोई बात नहीं करता। एक से एक तरह की गाड़ियां हैं, एक से एक तरह के घर हैं लोगों के, उनकी फिर ड्रेसिंग, फिर उनका लिविंग स्टैंडर्ड, सब कुछ इतना ज़्यादा हाई है कि आप समझते हो कि मैं कौन से लेवल पर आ गया हूँ। ये देखिए भाई सारा कुछ ओपन है, ये घर है, ना कोई वॉल ना कोई बाउंड्री वॉल, कुछ भी नहीं, आप सीधा गेट खोलो और घर के अंदर। ये होती है सुकून की लाइफ। नहीं ये आपके डस्टबिन है, पता भी नहीं चल रहा है इतने साफ सुथरे डस्टबिन यहाँ पे रखे हुए। आगे चलते हैं सिटी सेंटर की तरफ, आपको वहाँ पे दिखाते हैं वहाँ पे क्या सीन है। और अब जो है हम आ गए हैं यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे। रेलवे स्टेशन के पीछे वो पार्क है जो कि पूरा का पूरा वाइट हो चुका है। यहाँ से चलते हैं पार्क के अंदर, पार्क से जाएंगे सिटी सेंटर पे, फिर वो सारा विजिट करते हुए आते हैं। ये बस स्टेशन है जहाँ पे आवाम खड़ी हुई है, और ये है रेलवे स्टेशन। तो भाई जैसे वेदर के चार सीज़न होते हैं ना, सर्दी गर्मी खिज़ा बहार, जब मैं यहाँ जर्मनी आया था उस टाइम खिज़ा का मौसम था,
और वो जिस तरह होते हैं ना ऑरेंज कलर के पत्ते और ऑटियम में जो है सारे दरख्त गिर रहे होते हैं, दरख्त से सारे पत्ते गायब हो जाते हैं बर्फबारी और सर्दी आने से पहले पहले तक। तो भाई वो वाला वेदर मैंने देखा और उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि वो रेड कलर के जो पत्ते होते हैं वो तो हमने भाई मूवीज और इस तरह के ड्रामों में ही देखा था, यहाँ पर आके फर्स्ट टाइम देखने का मौका मिला। फिर उसके बाद जब सर्दी स्टार्ट हुई तो फिर बर्फबारी पड़ने शुरू हो गई और बर्फबारी भी फर्स्ट टाइम हमें जर्मनी में ही देखने का मौका मिला। तो ये जो कह रहे होते हैं ना कि यार जर्मनी का वेदर हमें समझ में नहीं आता, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, लेकिन भाई हमें समझ में आ रहा है, हमें मज़े ले लेने दो। और मेरा ख्याल है जब आप जर्मनी आएंगे तो आपको भी मज़ा आना ही है, क्योंकि बर्फबारी एक ऐसी चीज़ है कि आपके चेहरे पे जो है ना खुशी आ जाती है बर्फबारी देख के, और जब आप बर्फबारी में निकलते हो तो बड़ा मज़ा आता है। तो पार्क में हम आ गए, पार्क दिखाता हूँ पीछे से, सारा वाइट हो रहा है पार्क। पार्क के अंदर चलते हैं फिर देखते हैं क्या सीन है। तो भाई ये पार्क के अंदर बच्चों का प्ले एरिया था जो कि अब जो है ना वाइट चादर ओढ़ चुका है, इसका मतलब है कि बच्चे अब यहाँ पे मस्जिद खेल नहीं सकते। खेल तो सकते हैं लेकिन वही है कि गिरने का जो है ना डर रहता है यहाँ पे, तो इसलिए कोई भी बच्चा यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा। आगे चलते हैं और देखते हैं पार्क के अंदर क्या सीन है, फिर उसके बाद जाएंगे हम सिटी सेंटर। ये मेरा ख्याल है यहाँ पे इनका ना कोई फंक्शन चल रहा था या फिर अभी भी लगा हुआ ये नाइट शिफ्ट में जो है ना हो सकता है ये स्टार्ट हो, जिसमें ये डेविल डांस है और उसके अलावा कुछ झूले भी लगे हुए हैं। पता नहीं भाई, हम अपने काम से काम रखने वाले बंदे हैं। मैं अभी आ रहा हूँ तो अब मुझे पता चल रहा है कि ये सारे झूले जो लगे हुए तो ये बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, अलग अलग कंट्रीज़ के जो है ना झंडे लगे हुए हैं। वैसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, वैसे आना तो चाहिए। चलें नेक्स्ट जब लगेगा तो फिर आ जाएंगे। आगे चलते हैं हम आगे सिटी सेंटर की तरफ। तो भाई जब आपको इस तरह के घर नज़र आ जाए ना, ये जो ट्रायंगल शेप के ऊपर जो हट बना होता है, तो इसका मतलब ये है कि आप जर्मनी के अंदर हैं। जर्मनी की पहचान ही यही है कि इस तरह के घर जो है ना यहाँ पे पूरे जर्मनी में आपको मिलेंगे, और ये बड़े खूबसूरत लग रहे होते हैं। देखें ज़रा वो पीछे से ट्रैफिक है, और ये देखें घर कितना अच्छा सा इन्होंने डेकोरेट किया होता है, फूल वूल लगाए हुए होते हैं, इसके अलावा लाइटिंग शाइटिंग। और घर आपको देख के कोई ऐसा नहीं लगेगा कि कोई घर जो है ना पुराना हो, अच्छे से ज़्यादा जो है ना सजाया हुआ होता है इन्होंने घरों को अपने अपने, और तकरीबन सारे ही घर ऐसे लगते हैं कि वो नए बने हुए हैं। तो भाई मुबारक हो, हमारे सिटी सेंटर आते साथ ही बर्फबारी जो है ना दोबारा से स्टार्ट हो गई, ये अच्छी बात है। अब चलते हैं सिटी सेंटर पे और वहाँ देखते हैं, अगर कुछ लगा हुआ होगा तो ठीक है, नहीं लगा हुआ होगा तो भाई वापसी चलते हैं घर। मेरे हाथ जो है ना सुन पड़ गए, ऐसा ना हो कि बर्फबारी इंजॉय करने में और आपको बर्फबारी दिखाने के चक्कर में मैं बेड पर पड़ा हुआ हूँ। तो इससे बेहतर है टाइम से घर चलाना चाहिए, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। तो भाई हम आ चुके हैं सिटी सेंटर की तरफ। जैसा मैंने सोचा था मंज़र वैसे तो नहीं है, लेकिन मंज़र प्यारा है। हल्की फुल्की बर्फबारी चल रही है, लेकिन मुझे लगा था बर्फ़ जमी भी होगी रोड के ऊपर भी, फिर उसके अलावा घर के ऊपर भी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी बर्फबारी से। बर्फबारी अभी हल्की हो गई है, मोबाइल में मेरा ख्याल दिख भी नहीं रही, तो हल्की हल्की हो रही है, तो उसके अलावा खैर है। लेकिन देखें अब सड़क जो है ना वो पूरी की पूरी गीली हुई हुई है, इसका मतलब ये है कि बर्फ़ पिघल रही है। आगे चलते हैं, वहाँ पे कुछ स्टोर्स हैं वो दिखाते हैं। ये एक है टर्किश शॉप जो कि नाई की शॉप है, जहाँ से मैं बाल कटवाता हूँ, और इसके अलावा ये है पाकिस्तानी शॉप, यहाँ से आपको पाकिस्तानी चीज़ें ज़्यादातर मिल जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम ही पाकिस्तानी शॉप्स मिलेंगी आपको जर्मनी में। ये वन ऑफ द उनमें से जो है ना एक है। तो भाई हम आ गए सिटी सेंटर पे, जहाँ पे एज सच कुछ हो तो नहीं रहा, लेकिन क्रिसमस ट्री के साथ बर्फबारी आपको देखने को ज़रूर मिल रही है, और लोग अपने अपने कामों पे जाते हुए। कितना मज़ा आ रहा है बर्फबारी में है।
लोग धुआं उड़ाते हुए जा रहे हैं ताकि अपने आप को गर्म रख सकें। अच्छी बात है। यहाँ पे अंदर लोग रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं और कुछ गर्म कपड़े की शॉप, और बस इसके अलावा तो नहीं है कुछ हमारे सिटी सेंटर में। यहीं तक था जो भी था। तो भाई बड़ी माजरात, हमेशा की तरह इस बार भी मैं आपकी एक्सपेक्टेशन पे नहीं उतर सका क्योंकि हमारा सिटी जो है काफ़ी छोटा है और उसका सिटी सेंटर उससे भी ज़्यादा छोटा है। पिद्दू सा सिटी सेंटर है जहाँ पे कभी कुछ होता ही नहीं है। तो कभी हमारा इत्तेफाक हुआ कि किसी और दूसरे सिटी जाएं, दूसरे सिटी यानी कि बड़े सिटी जाएं, तो वहाँ पे जाके कुछ दिखाएंगे कि सिटी सेंटर में क्या कुछ होता है। हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं होता। तो मैं जा रहा भाई घर, मेरे हाथ हो गए सुन, और ऐसा ना हो कि मैं बीमार पड़ जाऊँ, उससे बेहतर है घर चले जाना चाहिए। बर्फ़बारी मैंने भी मज़ा ले लिया, बर्फ़बारी आपने भी देख ली जर्मनी में कैसे होती है, जर्मनी की थोड़ी बहुत खूबसूरती देखी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब दें मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।